क्या चल रहा है? ये शर्बत है, टिक्की का शर्बत है। ये लो अब क्या है, इसमें पानी भर जाते है भैया। अभी आपने काला नमक, सफेद नमक, जीरा, ये क्या बना रहे हो आप? आम पन्ना। आम पन्ना, ये किस चीज का बनाया हुआ है? ये आम का रस है, तो बना हुआ आम रहता है, पुदीना रहता है, मिक्स रहता है। अभी ये नींबू ऐड कर रहे हो। इसका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यम है। आपके शॉप का कुछ नाम वाम रखा है? नहीं नहीं, सिर्फ ये खाली बस सीजनी काम होता है, तो बस 2 महीने लगता है ये। अच्छा, एक्स्ट्रा और ले लिया। ये क्या चल रहा है? ये पुदीना की चटनी है। पुदीना की चटनी, आप यहीं पे लगाते हो आपका ठेला? यहाँ का एड्रेस बताइए। ये गीता मंदिर नई सरा वाराणसी है। ये लोकल में आता है, ये गिरजाघर, अपना गिरजाघर चौराहा है वो। यहाँ पर ये नींबू पानी शरबत अलग अलग करेंगे। क्या बनाते भैया आप? आम पन्ना, नींबू पानी, शरबत होता है। ये आम पन्ना इसलिए होता है, जैसे कि किसी को धूप वगैरह अगर लग जाता है उसके लिए रामबाण होता है। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, जैसे कि धूप लग जाए कोई दवा दवा वा नहीं काम कर, लोग आम का पन्ना सबसे पहले पिलाते हैं, जैसे धूप ऊप लगने से पहले। अच्छा, ये आम का पन्ना जो होता है ये गर्मी को छाटता है? जी एकदम, बिल्कुल छाटता है, पेट को ठंडक रहता है। इसमें आम रहता है, पुदीना रहता है, नींबू रहता है, काला नमक, जीरा, बहुत सारे फायदेमंद चीज़ें रहते हैं। अब देखिए शरबत बना रहा हूँ, शरबत नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी सब। ये क्या डाल रहे हो आप? ये काला नमक, जीरा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट के लिए। ओके, इसमें एक एक नींबू पड़ेगा। ये नींबू पानी हमारा ग्लूकोज का काम करता है। ये क्या चल रहा है? ये शरबत है, टिक्की का शरबत है। ये रू अफ़ज़ा है, ये रू अफ़ज़ा। इसमें पानी भर जाते हैं।